खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर मोड़ पर स्थित ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूटपाट का मामला सामने आया है। दरअसल दोपहर में बालाजी ज्वेलर्स पर लगभग 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। इसके बाद बदमाशों ने शोरूम के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों पर मिर्च वाला स्प्रे उड़ाकर तमंचे से फायरिंग कर डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश करीब 5 करोड़ रुपए के जेवर लेकर भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। दिन में करीब 1 से 1.25 बजे के आसपास बालाजी ज्वेलर्स पे कुछ हथियारबंद लोगों द्वारा लूट की घटना की गई है, और जिसमें अभी इनके सभी का वेयरबॉट्स निकाला जा रहा है, जिसमें ये 2 गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं, मोटरसाइकिल और एक स्कूटी में। हम लोग जल्दी ही इसको वर्कआउट करेंगे और जल्दी ही इसमें सख्त कार्रवाई इसमें करी जाएगी। दुख का विषय है कि ज्वाला यहाँ पे आज रानीपुर मोड़, जो शहर का हृदय कहा जाता है, दिन दिहाड़े 1:15 बजे 6 डकैत बंदूकों के साथ दुकान के अंदर घुसते हैं, मालिक को गन पॉइंट पे लेते हैं, पूरे स्टाफ को गन पॉइंट पे लेते हैं, और स्टाफ से ही वो सारी की सारी दुकान को खाली कराने का काम करते हैं। वो स्टाफ को लेकर, स्टाफ को गन पॉइंट पे लेके यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी है, और उन्होंने काउंटर को भी जो है बंदूक से तोड़ा, और उन्होंने सभी लोगों को एक ऑफिस में बंद किया, और पेपर स्प्रे करके उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर वो यहाँ से पूरा सामान लूटते हुए शहर में बाइक से होते हुए, स्कूटी से होते हुए वो 6 लोग यहाँ से भाग कर निकल गए।